Assalamu alaikum. नहीं जी, आप सलाम का जवाब दें, लोगों के मुंह होते हैं। नहीं, जोर से दें, व्यूअर्स गिला करते हैं, हमें आवाज नहीं आती इनकी ना। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये देखें, आज हमारे किचन में रौनक ही नहीं है, अभी स्टार्ट हुई। टाइम देख लें आप इस वक्त, जरा टाइम बता दें, आप क्लॉक के सामने खड़ी हैं। किचन में उठते ही जी मसीना ने एग्स जो हैं, जो गिफ्ट मिला था खदीजा बहन की तरफ से, उसमें एग्स डाल दिए हैं। माशाल्लाह देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सुबह सुबह अपनी अम्मी हुजूर से बात करते हुए और साथ अदरक का कहवा पीते हुए, माशाल्लाह आज चाय का कोई होश नहीं है और ब्रेकफास्ट का कोई होश नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जी, पहले वालदा माजदा से बात करना बहुत ज़रूरी है, तभी दिन का आगाज़ अच्छा होता है। अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे जी। माशाल्लाह आज तो आपके लिए भी चौरस पराठा बनना खड़ा है आज। मम्मा, इसका मतलब है आप पे बड़ी मेहरबान हुई पड़ी हैं। इधर दिखाओ, ये एग वाली प्लेट उठाओ, एग वाली प्लेट हटाओ 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 हटाओ। हाँ, ये देखो ये चौरस पराठे, वाह जी वाह, आज मम्मा ने कमाल किया हुआ। ये देख लें, इस पर सारे किचन में खड़े हैं। ये देख ले, पुराने दौर की याद आती है, जब मेरी दादी बनाया करती थी, वो क्या कहते थे जी उसको, तो ये बड़ी मॉडर्न है, बस देसी टच में है। वैसे माशाल्लाह ये देख लें, आज अंडों की खुशबू ही और है, क्योंकि ये एग ट्रे से निकले हैं। ऐसे तो नहीं कह रहा टेस्ट, टेस्ट की बड़ी बात है। ये जो बहन की दी हुई ट्रे है, और फिर जो मिसेज ने सुबह एग सजाए हैं उसमें, कमाल ही कर दिया है। अच्छा ये देख लें, आज आप देख लें ये पराठे चौरस, ये पेड़े बने पड़े हैं, फिर और पेड़े। ये व्यूअर्स ये ना समझें, ये बेलने से बेल दिए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इनके हाथ भी बड़े मैकेनिकल हैं, बड़ी राउंड, सॉरी राउंड कह रहा हूँ, वैसे आम रोटी राउंड और चौरस पराठे कह देती हैं हाथों को, तो वो चौरस ही बेलते हैं जी, अपने अपने तरीके से खाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बात सही, ऑमलेट खाते हैं, मम्मा को बताओ किस तरह। हाँ जी, ये सही है भाई, सही है सही है सही है। और ये देख लें व्यूअर्स, ये आज हैं हैं, ये मेरे पराठे को हो क्या गया है? अच्छा ये मेरा पराठा नहीं है, ओके व्यूअर्स, ये मेरा पराठा नहीं है, मेरा पराठा भी बहुत ही खास बनने वाला है। आप तो ना बना लें, आप बना लें, जगह पे तो आप खड़े हैं। माशाल्लाह, गुस्सा ना क्या करें, सुबह सुबह व्यूअर्स नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं मिस सुहिना गुस्सा ना क्या करें, पता तो है आपको, आप खाम खाम मुझ पर रोब झाड़ती रहती हैं। हम पहले ही रोप के नीचे आए हुए हैं, और आधा किलो घी, माशाल्लाह। ये हुसैन आपका बन रहा है ये पराठा? अच्छा ये देख लें, नकलें भी उतारती हैं माशाल्लाह हमारी, और व्यूअर ये मशहूर है यार, कभी को नकल तो उतार के दिखाओ किसी की ना, बड़ी ज़बरदस्त। ननिहाल में मशहूर है, ननिहाल में मशहूर है, और बड़ी गपशप करती है माशाल्लाह, बड़ी जिंदा दिल है ये। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम होता है ना, ये थोड़ी सी मुद्दत दिल हो जाती है, और फिर थोड़ी नींद होती है, कभी आपको शाम को जब ये थोड़ी एक्टिव हो जाएंगी ना, फिर आपको बताएंगी। अच्छा ये बताओ ना यार, किसकी किसकी ना हो कोई, मेरी चलो मेरी इमिटेशन करो, किस तरह कर दो, मेरे ऊपर पानी फेंका है आपने, मेरे ऊपर पानी फेंक कर मैं गुस्सा हूँ, मैं तो पानी का शहजादा हूँ। मैं तो मछलियों पानी में रहता हूँ हर वक्त, शार्क नहीं, वो शार्क यार वो फिर खतरनाक मछली होती है, मैं तो बेचारी वो बड़ी मासूम सी फिश है, कौन सी, वो डमरा फिश जिसे रोहू कहते हैं, मैं तो वो हूँ। लोग कच्चा चबा जाते हैं, कुछ खा जाते हैं, कुछ पका जाते हैं। आज तो खुशबू जान निकाली खड़ी है, एक एग की जो ट्रे से निकला है, और एक पराठों की जो बार बार व्यूअर्स, बस काश आप यहाँ कमेंट करें हमें और पराठे मंगवाएं, अभी तक किसी का कोई कमेंट नहीं आया। मेरे पास ना वो अरशुमान और अरोश का मैसेज आया था कल। अच्छा जी, दो व्यूअर्स हैं, इनके बच्चे हैं अरशुमान और अरोश, के वो हैं भांजा भांजी। अच्छा भांजा भांजियाँ जी, क्या मैसेज आया था जी उनका? अच्छा जी, क्या कहते हैं कि आप रोजाना ये नाश्ता क्यों करते हैं, बच्चे के रोटी खाते हैं, उनको जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है रोटी खाने की। भाई आप इसलिए स्लाइस खाती हैं? मैं सिर्फ ब्रेड खाती हूं। अच्छा अच्छा, यानी आप मजबूरी तो नहीं ना कोई आपको, आप अपनी मर्जी से खाती? मजबूरी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इतने बड़े बड़े पराठे। नहीं मतलब हमने तो पाबंदी नहीं लगाई ना, आप ये बता। अच्छा ये व्यूअर अरशलान और आरोस,
अच्छा अर्शुमान और आरोश, अगर आप दोबारा कमेंट करेंगे ना या मैसेज करेंगे आपका नाम हमें याद हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुश्किल है इस वक्त। अच्छा हाँ जी, लेकिन मिस हिन्ना को याद है, ये देखिए दूसरा आ रहा है। तो भाई अपनी बेटा ये अपनी मर्जी से करती हैं, आप मेरे बारे में पूछे ना कैसे पराठे चौरस चार लेयर्स वाले। हमारी मम्मा भी हमें ऐसे ही कहते हैं, मैं अपने बच्चों को जानती हूँ बेटा, हर किसी की मम्मा ऐसे ही जानती हूँ। बेटा जो मम्मा एक नहीं होती, मम्मा एक जात है, मम्मा एक करेक्टर का नाम है, वो जिसकी भी मम्मा होगी इसी तरह ही होगी। इसी तरह पापा भी एक करेक्टर है और बेटा, हाँ जी, और बेटा जो बच्चे होते हैं ना आप जैसे, वो भी बड़ा करेक्टर है। बच्चे जहाँ भी होंगे बड़े ही नाटी होंगे, अच्छे तो माशाल्लाह सारे ही होते हैं, मैं तो सिर्फ उनकी नॉटी की बात कर रहा हूँ, वो बड़े शरारती होते हैं। मेरा पराठा तवे पर आ चुका है, मुझे दूर से बुलाया गया है कि भाई आपने जो करना है कर ले पराठे के साथ। और ये एग मेरे ख्याल में हसन का या मेरा एग बन रहा है, आज छुट्टी वाले दिन भी इसी तरह बेड़ा गर्क हो गया मेरा। अरे आपकी फिर वो योग टूट गई है, रोज ही टूट रही है यार, क्या बात है यार। आपने ट्रे में ही रखा होगा अंडा, आपने फ्रिज से उठाया होगा यार। ट्रे वाले अंडे जो है ना माशाल्लाह, एक तो हुस्न में बड़े निकल रहे हैं आजकल, और दूसरी बात यह है कि उनका टेस्ट अपना आ रहा है। ये देखें जी, ये नया तरीका है पराठों का, सुभान अल्लाह। आज ले, आज पराठे की चार लेयर से पाँच लेयर से हैं। अच्छा दस हो सकती हैं, क्योंकि ये आप वो काटती हैं ना एक एक पीस करके, वो वन टू छुरी चला के उसमें पंद्रह लेयर तो आप बना लेती हैं, लेकिन आजकल वो नहीं बना रही हैं आप। व्यूअर्स को वो भी बताएं, लच्छेदार पराठा। अच्छा लच्छेदार पराठे की रेसिपी है आपकी, ये व्यूअर्स देख लें, ये तकरीबन आप जो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 200 ग्राम घी डाल दिए, ये देख लें 200 ग्राम अंदर है, 200 ग्राम पराठे में है, और इस वक्त हो चुका है 400 ग्राम पराठे में हो चुका है, चार लेयर वाला पराठा है। और मैं अभी बता रहा था लच्छेदार पराठे की रेसिपी पड़ी हुई है सुनीना फैंटेसी पे, पढ़ी है बुक, पराठे की पढ़ी है मेरे, हर पराठे की पढ़ी है जी, जरूर लच्छेदार जरूर बनाएं जी, लच्छेदार कमाल है, छुट्टी वाले दिन एंजॉय किया करें। अच्छा जी ये ज्यादा चौरस पराठा जी बहुत अच्छा है। अच्छा बताएं दोबारा बताएं, चौरस बहुत अच्छा बनता है जी। चो ये खुद कह रही हैं, जब बनाने वाला खुद कह देना कि उसकी बात माना करे, चौरस ही बहुत अच्छा बनता है। ये देख लें व्यूअर्स, देख लें देसी घी की खुशबू नाक में घुस गई है, दिमाग में चढ़ गई है मेरे। अभी एग नहीं बना, अच्छा वो मटेरियल तो कट गया है ना, वो देखिए मुझे नजर आ रहा है। हाय सुभान अल्लाह, ये होती है मोहब्बतों वाली बीवियां, देखें तो सही जरा, देखें देखें जरा क्या कर क्या रही है मेरे लिए, चार एग डाल रही हैं जी आज माशाल्लाह। एक आपका है, तीन मेरे हैं, किस तरह कर रही हैं, मेरे दो हैं और आपके, आपका एक भी नहीं है। अच्छा आज आप सिर्फ वही बात, वही वो क्या है, अरशलान और आरोश, मुझे तो नाम भी बड़े, अरशुमान और आरोश की बात को मानते हुए उसको कंटिन्यू करेंगी। मैं देख लें अरशुमान और आरोश, मैंने तो बड़ा कहा है इनको आज देसी घी के पराठे और साथ कमाल कर दें, लेकिन ये भी कमाल की है, खड़ी है नहीं खा रही, पराठा जल गया जी, और आज जला हुआ पराठा खा रहे हैं इंशाल्लाह इस कमेंट्री में, कमेंट्री के साथ साथ पराठा भी जल गया, लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है, ये मेरे लिए आमले हुए आग में हाथ डाल दिया है, गरम गरम घी में डाल दिया है, ये देखें बगैर घी के एग बन रहे हैं नादरी, इसमें कुछ नहीं है, ये देख तो सही, देखें तो सही। अच्छा घी भूल गई थी ना असल में, देखें परेशानी इनको भी हो जाती है कभी कभी, नहीं होती मुझे परेशानी। अच्छा फिर हैं क्या किया है आपने, ये देखो कितना कलरफुल आ गया है, और माशाल्लाह ट्रे से निकला है तो दिमाग जो इसकी जो खुशबू है ना दिमाग में छा गई आज। ये देखें ये अंदर जलन निकाल रही हैं जो पहले अंडे बन चुके हैं, ये देखें ये देखें बड़े स्टाइल से फोक से फेंटा जा रहा है, अंडा इंतज़ार है, तड़प रहा है, देखें देखें तो सही, देखें 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 माशाल्लाह, ये आया, ए ओए होए 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 कमाल कर दिए, ये होते हैं संडे के मज़े हैं, ये देखें। अच्छा मेरा पराठा ठंडा तो नहीं हो जाएगा, अच्छा जी देखें नहीं होता जी, ये देख लें व्यूअर्स, अब आपको टेस्ट जब करूँगा ना फिर आपको बताऊँगा ये आज बना कैसे है अंडा। बच्चे माशाल्लाह हैं आज तो बड़े स्लो स्लो खा रहे हो, लगता है अंडे और पराठे का टेस्ट लेके खा रहे हैं, भी स्लो ही खाते हैं। पहले जैसे आम पराठा हो तो आप भी जल्दी जल्दी कहते हो यार जान छुड़वाओ, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। मैं स्लो खा रहा हूँ। और ये देखें जी मिस हिना अपना स्लाइस उठाते हुए फ्रिज से, और ये जरा व्यूअर्स थोड़ा सा मुलाहिजा करें ना, जरा थोड़ा आप फैसला करें, कमेंट तो किया करें ना, वो इतना ज़बरदस्त वो एग बनता है,
बल्कि मुझे तो आज कह रही थी मसीना कि अगर कमेंट ना आए ना ये एग बनाना ही बंद कर दूंगी। तो व्यूअर्स प्लीज़ मेरी खातिर जो है ना आप कमेंट कर दिया करें ये एग कैसा लगे आपको, और ये बस खुशबू का बर्दाश्त नहीं हो रही जी व्यूअर्स, मैं आप खाने लगाऊँ जी। तो इंशाल्लाह बस आप एग की क्या तारीफ़ करूँ कि पहले ही दिमाग पर खुशबू चढ़ गई है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बहुत आला जी, कमाल हो गया आज भाई। जरा जैसे व्यूअर्स मैंने कहा था आज पराठा खाने को और अंडा का दिल ही नहीं कर रहा कि दिल करता ख़त्म ना हो जाए, तो मैं बड़े स्लो स्लो तरीके से खा रहा हूँ, टेस्ट इंजॉय कर रहा हूँ। भूख तो मारी रही है लेकिन जो टेस्ट जो खुमारी आ रही है ना वो तो मैं नहीं बता सकता आपको। जरा अपनी चाय दिखा दे, अभी रख के गई हैं मम्मा आपकी, ना ये चाय दिखाएं, है झाग वाली नज़र आ रही है फ्लफी। हाँ जी, ऐसे तो नहीं हम तारीफ करते आपकी मम्मा की, कमाल। अच्छा भाई आप भी आज संडे मना रही हैं? हाँ जी। भला क्यों ये बताएं? और स्लाइस एक से दो? नहीं कभी कभी दो खाते हो? अच्छा जी, कभी कभी दो खाते जब मूड में हो, मतलब जब छुट्टी मनानी हो आपने। और साथ ये देखें दो शामी, और व्यूअर्स शामी इन्होंने इस बार बड़े कमाल बनाए हैं, रेशादार शामी बनाए हैं, जैसे हमने कल के व्लॉग में कहा भी था। अब रेसिपी मेरे ख्याल में नहीं है इसकी, शामी की रेसिपी है रेशेदार शामी की रेसिपी है या मशीनी जी व्यूअर्स? वो सही ना फैंटेसी पे जाके वो भी देखें, मशीन में बनाए थे लेकिन रेशेदार बने थे, लेकिन रेशे थे। अच्छा, लेकिन जी रेशेदार है, आप वो भी देखें जाके, कमाल शामी है। और ये देख लें इनका, वो कहते हैं ना वो खवातीन में एस्थेटिक सेंस बहुत ज़्यादा होती है। कप देख लें वही कलर है, प्लेट का वही कलर है, स्मॉल बोल का वही कलर है, योगर्ट भी आज साथ खाई जा रही है, मेरा भी वही है ना, ये देखें। लेकिन साथ ही मेरे एक कप जो दिया है ना इन्होंने वो ब्लैक डिनर सेट का है, इसकी क्या वजह? अच्छा ये अलग है कप, ये इसलिए दिया कि ये बड़ा कप होता है इसलिए आप पियेंगे इसमें? नहीं नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। व्यूअर्स को बता देना, सम टाइम एतराज करते हैं वो, इस कप में पीना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, बस व्यूअर्स यही वजह है। वैसे इन ये तो मोहब्बतों बड़ा बहुत कोशिश करती हैं, और मैं तो इनसे महाराजी हूँ। क्या महाराजी का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा राजी होना, पता नहीं मुझे भी आज पता चला। अच्छा जी, चलो जी आज पता चल गया, शुक्र है। बस हम तो इनको यकीन दिलाते रहते हैं, यकीन नहीं करती मेरा, कहती हैं ड्रामेबाजी है। नहीं करना, मैं आपको खा लूँ। खा लें, आपके लिए जान हाजिर है, एग की क्या बात है, थोड़ा सा चख लें, जरा झूठा हो जाएगा। प्लीज़ देखें, प्लीज़ हमारी प्लीज़ फैमिलीज जो है देख रही हैं, हमारी जो है ना जो बॉन्डिंग है हम इसी को ही प्रमोट करते हैं, मियाँ बीवी को। प्लीज़ खा ले थोड़ा सा, खा ले, और झूठा मैंने मजाक में कह दिया, वैसे खा ले भला, एग भी कभी झूठा हुआ? चाय झूठी होती है, उठा ले थोड़ा सा। देखिए इज्जत रख ली है इन्होंने, मुस्कुरा भी रही है थोड़ा थोड़ा और खा भी रही है। अच्छा देख रही, मैंने कल बताया था आपका गुस्सा ही प्यार है और प्यार ही गुस्सा है आपका, क्या करें हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। आज का क्या प्रोग्राम है वो बाद में बताएंगे जब फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सोच के। नहीं नहीं चलना है, हमने कहाँ पे? बच्चे कहते हैं वही कढ़ाई खाते हैं, मैंने तो कहा किसी और जगह चलते हैं। अच्छा अभी डिसाइड नहीं हुआ? बच्चे कहते हैं वहीं चलना है, गोरी टिक्का। नहीं डिसाइड हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया। आपकी तरफ से हो गया समझा, फिर हो गया, हमारी तो जरूरत नहीं है कुछ कहने की। मैं भी दिल करते हैं तो कढ़ाई खा ले। अच्छा चलो जी व्यूअर्स, आपको हम हमारी मेरी ख्वाहिश होती है आपको नई नई ढाबे चीज़ें होटल्स बताएं, लेकिन बच्चे लगता है स्टिक हो गए हैं। आप देख लें टेस्ट लेवल देख लें उस बंदे का। देखिए जी कह रही थी कि आप मेरा बर्तन होना नहीं दिखा रहे, और पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आज संडे है, संडे वाले दिन बाजी नहीं आती, तो आप खाना भी खुद खाती हैं और बर्तन वैसे माशाल्लाह आप रात को खुद धो के सोती हैं, बाजी होती नहीं है। हाँ जी, वैसे हमारी कोशिश होती है कि अगर खुद यूज़ करें तो खुद धोते हैं, इसलिए मैं यूज़ तो मैं बहुत कम करता हूँ। बस आप ये करने ही नहीं देती ना मुझे, क्या करें। लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ कभी साल में एक दफ़ा, तो फिर मैं करता हूँ व्यूअर्स देख लें जी। नहीं ये इजाज़त नहीं मिल सकती आपको, ऑन एयर कह रहा हूँ मैं। नहीं मेरी जरूरत है, मैं आपको रोक के दूँ, मैं तो आपसे मिन्नत कर रहा हूँ, आपके बगैर मेरा एक लम्हा भी गुजारा नहीं है, मेरी बात सुन लें। और आंटी को भी पता है इसका, प्लीज़ देखें ना करें, ये जुल्म ना करें। अच्छा व्यूअर्स ये मुझे क्या है, वैसे ही रही हैं लेकिन मिलने शायद चली जाएं, लेकिन वापस साथ ही आ जाएंगी। ये सारी जो है ना मुझे पता है इनका, ये मेरे बगैर एक दिन नहीं गुजार सकते, ये मुझे पता है। क्यों जी बात सही है,
झूठ ना बोलिएगा, आप सही से बता दें। नहीं ये थोड़ा ऊंचा ऊंचा बताए, ऊंचा पानी के बाद। जी जी सही है सही है सही है। नहीं ये मजाक कर रही है या मैं सही कह रही है? हाँ सही है, अपने घर के अलावा दिल नहीं लगता, लेकिन फिर भी। नहीं घर के अलावा या मेरे अलावा ये बताएं। घर भी और घर में कौन है? पहले मेरी मेरे आप हैं। हाँ हसन साहब क्या कर रहे हो? बिस्तर लपेट लिए हैं। ये देखिए इस तरफ जी रूम की कुछ ऐसी हालत है अभी तो। इधर और भी बहुत गंद था जो कुछ बच्चों ने समेट लिया। अब मैं आपसे मिलती हूँ कुछ लम्हे बाद। ये देखिए जी इसको साथ साथ पढ़ाया भी जा रहा है, साथ साथ सफाई भी मैं कर रही हूँ, डस्टिंग हो रही है जी। अब अच्छी तरह से हर संडे को जी मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं, अम्मी कहती हैं क्या जरूरत होती है जी एक दिन अगर सफाई नहीं होगी घर में। बस जी पता नहीं, हालांकि मेरी अम्मी खुद बड़ी सफाई पसंद है, जब उनके घर कोई मेड नहीं होती, हेल्पर नहीं होती, वो खुद भी काम कर रही होती है और मुझे कहती हैं कि सफाई ना किया करें। लॉन की कुछ इस तरह से है जी हालत। ये देखें जी इस तरह से अभी सेट कर लेते हैं। पूरे घर की सफाई करते हुए आखिर किचन तक पहुंच चुकी हैं जी। सोहिना फैंटेसी माशाल्लाह सोहिना फैंटेसी पहुंच चुकी हैं जी। ये देखें चमका दिया इन्होंने घर। कांग्रेस कहते हैं अंग्रेज ने, बिल्कुल ही एक हाउसवाइफ है, घरेलू खटू है। लेकिन हमारे दिल की मलक है आप ये न कहें, माशाल्लाह इनमें वो कहते हैं कितने गुण, पहले 12 गुण कहते थे कि सुशील है और 12 गुणों का गुनी है, यानी 12 गुणों की मालिक है। यानी गुनी नहीं, अल्लाह माफ़ करे, गुनी यानी गुण वाली है ये। इसमें बड़े ही वो जनाब गुण है इनमें। और ये देख रहे हैं माशाल्लाह ये सारे बर्तन धुल चुके हैं, कमरे साफ हो चुके हैं। ये कह रही है जी मॉप लगाना है बस टीवी लॉन्च में। मैं कहता हूँ आज मॉप ना लगाएं, वैसे मॉप लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, घर माशाल्लाह वैसे ही चमक रहा है। अच्छा लेकिन आप ज़िद्दी हैं। अच्छा अच्छा वो दिली सुकून आप हमें भी तलाश कर सकती है हमारे साथ गपशप करके। तो दिल साफ होगा, हस्बैंड भी खुश होता है, निस्फ ईमान है सफाई। हाँ ये आपकी बात ठीक है, व्यूअर्स देख लें। और हम इसी वजह से आपको दिखाते हैं कि सफाई करने में कोई आर नहीं है। आपने देखा होगा हमारी, हम ये कहते रहते हैं हमारी बाजी भी हेल्प करवाती हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारी मिसेस जो है ना ये 24 घंटे जब तक जागती रहती हैं कोई ना कोई काम करती रहती हैं। कोई मैच नहीं है पाकिस्तान का और उसका, पाकिस्तान का नहीं लेकिन अफगानिस्तान बड़ा देश है। ये देखिए जी सत्ती गुजर गई हैं जी माशाल्लाह, चुनरी मुंह पर कर अच्छी बात है। अच्छा आज किस पाकिस्तान और बांग्लादेश? नहीं नहीं बांग्लादेश अफगानिस्तान। अच्छा यानी आज सुकून है फिर? नहीं हाँ नहीं, आपने कोई जिम्मेदारी आप पे सब मैच देखने की? मैंने ये बताएं ये आपका सारा हो गया ऐसे वगैरह सारे? इतना सारा झूठ ना बोलना, टीचर्स देख रही हैं आपकी। इतना सारा ये देखिए वही तो कर रहा हूँ। अच्छा ये करने के बाद मेरी बात सुन लो, मैं टीवी नहीं चलाने दूंगा। क्यों? नहीं ये नहीं। पहले कर लो हाँ। उसके बाद फिर आपने ये देखना ठीक है। चलो कौन सी तशरी? क्या तशरी के बंद फादर जनाब? लेकिन मैं आज एक ही समझूंगा और मैं फिर आपको उसका मतलब बताना उसका। अब वो नहीं आप मुझे आसान बताइएगा टीचर ने कहा। बेटा मैं आसान ही बता देता हूँ, अगर मैं आपको आसान ना बताऊँ तो फिर कौन बताएगा? ठीक है जनाब, जब आप भी दिल चाहे आपने बिला धड़क मेरे पास आ जाना है, मैं फ्री हूँ या ना हूँ। ठीक है ट्रीट कब देंगे? ट्रीट इंशाल्लाह शाम को। ठीक हो गया, डिनर आज ट्रीट में ही होगा, टेंशन ना लो आप। ओके अजय का व्यूअर्स पे क्या था भाई, जैसे मैंने कहा धमाल डाल के कि हमारे 101 हो गए थे। अच्छा चलो शुक्रिया तो अदा कर दो। थैंक यू आपने हमारे 100 सब्सक्राइबर किए। हां 102 शुक्रिया अदा करो, ऊंचा ऊंचा करो। हां मैं कैसे, थैंक यू आपने हमारे 102 सब्सक्राइबर्स किए और क्या कहूं। बहुत शुक्रिया जी, जी हुसैन की तरफ से भी आ गया जी, व्यूअर्स आपका प्यार है जो हमारे सब्सक्राइबर इंशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं और आपसे यही उम्मीद है कि
इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह आप सब्सक्राइब हमें करते रहेंगे, जहाँ जहाँ व्यूज हो रहे हैं काइंडली व्यू करते हुए हमें सब्सक्राइब भी कर दिया करें जी। जी फाइनल ये जी हुसैन साहब की बुक्स पढ़ी है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ वहाँ हुसैन साहब आ रहे हैं। तो झाड़ू भी लगा दिया है, क्लीनिंग हो गई है सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है जब इंसान सफाई कर लेता है और सुकून से फिर बैठता है। अब मैं फ्री हूँ, मुझे 2 से 2.5 घंटे लग गए हैं इस घर का काम करते करते। ये जी गैलरी भी साफ़ हो गई और ये फाइनली हमारा रूम भी साफ़ हो गया। हसन साहब पढ़ रहे हो आप? गलती से कह दिया मैं। ये देखें जी माशाल्लाह जी तैयारी हो चुकी है, जैसा कि कहा गया था कि पूरे घर की सफाई करने के बाद सोहिना साहिबा, अब तो आपका वैसे नाम सोहिना ही हो गया है हिना की बजाय ना। अच्छा सोहिना अच्छी बात है, इसमें हमारा दोनों का नाम है, हैं? अच्छा व्यूअर्स को ये तो बताएं सोहिना हमने रखा क्यों था? एस ओ सुहेल के चाहिए नहीं। हाँ जी।